तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे वो वेरिफिकेशन बैच पा सकते हैं। देखिए, मैं इसमें कोई ट्रिक नहीं बताने वाला जो बाद में फेक निकले, या आपको इस वीडियो में कोई ऐसा प्रोसेस नहीं बताने वाला जहां आपको पैसा लगाना पड़े, किसी एजेंसी को पैसा देना पड़े। ज़रूर मैं वो तरीका भी बताऊँगा, पर आपको जो सही तरीका है, ऑथराइज तरीका है, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊँगा। और आपने इस वीडियो पर अगर क्लिक कर लिया है तो इसे ज़रूर पूरा देखिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक। चलिए जानते हैं। YouTube पे पहले भी आपने कई वीडियो देखी होगी जिसमें आपको फेक तरीका बताया गया होगा अपने Instagram अकाउंट पे वो वेरिफिकेशन बैच लाने का। उसमें कुछ आपको सेटिंग जाके चेंज करनी पड़ती है, कुछ वहाँ पे कोडिंग करनी पड़ती है, पर वो सिर्फ़ और सिर्फ टेम्परेरी रहता है। वो सिर्फ आपको दिखेगा और उसी टाइम के लिए दिखेगा। जैसे ही आप पेज को रिफ़्रेश करते हैं वो हट जाएगा। तो वो तो अगर आपको वैसा करना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपने प्रोफाइल पेज का और एडिटिंग के थ्रू भी वो वेरिफिकेशन बैच ईजिली लगा सकते हैं, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो फेक है, वो नकली है। देखिए, इसका जो सही तरीका है वो है आपके खुद के इंस्टाग्राम अकाउंट के सेटिंग में ही। जी, इसका बिल्कुल ऑप्शन वहाँ पे है। देखिए, आपको सेटिंग में जाना है सबसे पहले, तो फिर वहाँ पे आपको अकाउंट के ऑप्शन में जाना है। अकाउंट के ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे सेकंड लास्ट में लिखा होगा अकाउंट वेरिफिकेशन। वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको फिल करना होगा, वहाँ पे मैं बता देता हूँ, अपना नाम फिल करना होगा। और सेकंड, आप एक्टर हैं या आप कोई आर्टिस्ट हैं, या तो अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं है पर आप लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हैं, आपको काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, तो आप बिल्कुल पब्लिक फिगर वगैरह कुछ भी इस तरह से वहाँ पे अपने कई सारे क्राइटेरिया दिए गए हैं, अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं और वो सही होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में आपको कोई डॉक्यूमेंट जमा करना है, यानी कि कोई आईडी प्रूफ, और वहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करते ही ये देखेंगे कि आपका अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए चला गया है, और यही है जो सही प्रोसेस है। पर ऐसा नहीं है कि ये कोई भी करेगा और उसको वो वेरिफिकेशन मैच मिल जाएगा। बिल्कुल, आप जानते हैं कि उसके लिए आपका अकाउंट जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो, काफ़ी लोग फॉलो करते हों पहले से ही, या तो काफ़ी जल्दी काफ़ी जो फॉलोअर बढ़ते जा रहे हैं, आपने कुछ ऐसा काम किया कि आप पॉपुलर हो गए हैं तुरंत अचानक से और काफ़ी आपके फ़ैन फॉलोइंग आती जा रही है वहाँ पे, तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। और इसके बाद या तो आप देखते होंगे कुछ जैसे 10,000 से भी कम फॉलोअर रहते हैं उनके पास भी वेरिफिकेशन बैच रहता है। वो कैसे रहता है? देखिए, वो एजेंसी के थ्रू होता है। कुछ ऐसी एजेंसीज़ हैं जो पैसा लेकर ये काम करती हैं, आपको वेरिफिकेशन बैच दे देगी, पर अच्छा खासा मोटा अमाउंट उनको देना होगा आपको। तो मेरे हिसाब से ये सही तरीका नहीं है। अगर आपके 10,000 से भी कम फॉलोअर हैं या 10,000, 12,000 इस तरह के फॉलोअर हैं और आपको वेरिफिकेशन बैच मिल जाए तो उसका कुछ खास फ़ायदा नहीं है। अगर आप कोई ब्रांड, कोई कंपनी चला रहे हैं तो ज़रूर आपको हो सकता है कि ज़रूरत लगे कि हाँ मुझे वेरिफिकेशन बैच चाहिए, पर मेरे हिसाब से आपके अकाउंट पे वेरिफिकेशन बैच देखकर कोई आपको फॉलो नहीं करेगा। कोई आपका काम देख के आपको फॉलो करेगा। आपके प्रोफाइल पेज पे उसे या तो अच्छी पिक्चर्स दिखनी चाहिए, अच्छी वीडियोस दिखनी चाहिए, अच्छे कंटेंट दिखने चाहिए, तो ही आपको वो फॉलो करेगा। इसीलिए जो प्रोसेस है सही प्रोसेस है, अगर आप चलते हैं, अगर आप धीरे धीरे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे काम करते रहते हैं और वहाँ पे फॉलोअर बढ़ते रहते हैं, तो आप बिल्कुल वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं अपने अकाउंट को वेरीफाई कराने के लिए। तो ये है सही तरीका। तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल पे भी जा सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। प्रतीक PRATIK4RAI, प्रतीक 4RAI, आप या तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं मुझे जाके सर्च करके। और मैं बता दूँ कि वहाँ पे मैं आपको इंस्टाग्राम से जुड़े कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, और पहले से ही मैं यूट्यूब से जुड़े कई सवाल लोग मुझसे करते हैं तो वहाँ पे मैं उनकी हेल्प करता रहता हूँ। तो आज का वीडियो अगर पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने को ख्याल रखिएगा, अपने को खुश रखिएगा, क्योंकि अपने को खुश रखेंगे तभी तो सबको खुश रख पाएंगे। गुड बाय।